मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दोपहर में इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा सरकार पर एमएलए की खरीद फरोख्त कर जनता को धोखा देने के आरोप लगाए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर उस वक्त ही खतरा मंडराने लगा था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 एमएलए संघ कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया था। बीजेपी लगातार कमलनाथ को फ्लोर टेस्ट कराने के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने फ्लोर टेस्ट नहीं करवाया, बल्कि उन्होंने मांग रखी कि 22 विधायकों को उनसे मिलने का मौका दिया जाए। उन्होंने बीजेपी पर बागी हुए कांग्रेस विधायकों को डराने धमकाने के आरोप लगाए। वहीं बीजेपी ने इन बातों को खारिज कर दिया और लगातार मुख्यमंत्री कमलनाथ से बहुमत खोने के बाद उनके इस्तीफे की मांग करती रही। वहीं अब आज मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे की जानकारी दी और बीजेपी पर आरोप भी लगाए। प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा, विधानसभा में कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें आई थीं। लगभग 15 महीनों में मेरी यह कोशिश थी कि प्रदेश की तस्वीर बदलूं। हमेशा मेरा विकास में विश्वास रहा है। मुझे जनता ने 5 साल का मौका दिया था। प्रदेश को सही रास्ते पर लाने के लिए जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था। बीजेपी को 15 साल मिले, मुझे 15 महीने मिले, जिनमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता भी लगे। इन दिनों में जनता गवाह है कि बीजेपी को जनता के लिए मेरे द्वारा किए गए विकास के काम पसंद नहीं आए। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा, हमारे 22 विधायकों को प्रलोभन देकर बीजेपी ने बंधक बनाने का काम किया। इस बात को देश की जनता ने भी देखा है। करोड़ों रुपए खर्च कर वह खेल खेला गया। प्रदेश की जनता के साथ इन लोभियों और इन बागियों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात किया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सियासी संकट का मूल कारण सिंधिया समर्थित 22 विधायकों का कांग्रेस से इस्तीफा देना है। विधायकों के बागी होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए। यह भी कहा गया कि बीजेपी मध्य प्रदेश में भी वही करने जा रही है जो उसने कर्नाटका में किया था। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों द्वारा पार्टी से इस्तीफा देने के कारण राज्य की कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई थी, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी को इस्तीफा देना पड़ा। अंत में बीजेपी ने येदियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनाई। कर्नाटका में सियासी संकट के दौरान बीजेपी पर विपक्षी दलों के नेताओं को खरीदने के आरोप लगे थे। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।